आपको पता है कि हिंदी में 35 मैथ पूछा जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है मैथ का, तो मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मैं मैथ का अलग से एक टीचर का व्यवस्था किया है, ठीक है, वो आपको उसका एक सेशन चलाएंगे मैथ का, ठीक है, और जितने चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन रहा है वो सब आपको बताएंगे कि मैथ में कौन से पोर्शन से कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत जल्द वो सेशन स्टार्ट होने वाला है, बिहार सिविल कोर्ट का, ठीक है, नहीं पूछना पड़ेगा, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार CGL और BPSC, इस मतलब जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस सबका सेट, प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा PDF के साथ। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, स्टैंड BPSC यूट्यूब सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए रोहन की स्थिति मालूम नहीं है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन वह मोहन से ऊपर है या नीचे इसको हमें पता करना है, ठीक है। तो आंकड़ों के अनुसार क्या पता चलता है कि आंकड़ा देखकर पता चलता है कि अधूरा है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल है फ्रेंड, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है, इसमें हमें क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए अगर बात करें सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले एकेडमिक होगा, ठीक है, AC है, ठीक है, एकेडमिक। उसके बाद आपका होगा एकर्पस, उसके बाद एकर्पस हो जाएगा 2 नंबर पर, ठीक है, उसके बाद होगा एक्सेड, ठीक है, 3 हो जाएगा, उसके बाद एक्सेंट्रियोट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद होगा एक्रॉस, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है, ये भी रीजनिंग है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, यह मानते हुए कि कथन सत्य है भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें हमें देखिए पहला कथन जो दिया है कि सभी प्रश्न रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, सभी प्रश्न रेफ्रिजरेटर हैं और सभी रेफ्रिजरेटर ग्रीजर हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ मशीनें गीजर नहीं है और कुछ गीजर मशीनें हैं। तो देखिए यहाँ से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बोल रहा है सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये मशीन हो गया हमारे, ठीक है, ये मशीन हो गया, ठीक है, सभी मशीन रेफ्रिजरेटर है, तो सभी मशीन रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। उसके बाद पूछ रहा है कि कुछ गीजर मशीन है, कुछ गीजर, ठीक है, तो कुछ गीजर मशीन है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 छात्र ABCD और ई स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं, सी डी के पीछे खड़ा है जो ए के पीछे खड़ा है, ई बी के पीछे नहीं खड़ा है, ए सी के आगे खड़ा है परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है, यदि पीछे का अर्थ किसी की पीठ के ठीक पीछे होना है और आगे का अर्थ ठीक आगे होना नहीं है, तो 5 छात्रों में से कौन तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो देखिए छात्रों का एक कतार में खड़े होने का हम क्रम आपको बता देते हैं, सबसे पहले कौन होगा आगे के तरफ से, ठीक है, आगे के तरफ से हम ये बता रहे हैं, ठीक है, पहले आपका ई हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इधर से पीछे की, ये आगे की तरफ है, इधर से पीछे की तरफ, सी वाला पीछे और ई की तरफ से आगे, ठीक है। अतः स्पष्ट हम बता सकते हैं तीसरे स्थान पर जो छात्र ए खड़ा है, ठीक है, ए खड़ा है वही होगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए आकृतियों में दिया है, ठीक है, मोड़ कर छेदने तथा खोलने के बाद यह किस आकृति को दर्शाई गई है, ठीक है। देखिए आकृति के अनुसार हम देखें तो इसमें जो हमारा बनना चाहिए, देखिए मोड़ कर बता रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि आकृति दे दिया है, ठीक है। देखिए प्रश्न के अनुसार जब कागज के टुकड़ों को हम मोड़ेंगे, ठीक है, मोड़ दिया गया है, ठीक है, और इसे खोलेंगे तो इसका आकृति ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और जब इसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है,
रीजनिंग आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैं मैथ बता रहा हूँ, 35 पूछेगा। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है पियोन के लिए, ठीक है। मैथ है, हिंदी पर विशेष फोकस कीजिए, पियोन वाले रिजल्ट हो जाएगा। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञातना है, ठीक है। पहली 10, तो देखिए तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आपको आपको पता है माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बटा 2 होता है। तो आप बैठा दीजिए इस पर, 1 + 19 हो जाएगा, अब बटा 2 काटेंगे आप तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, राइट आंसर 10 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, ठीक है, तो सी अनुपात ए कितना होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम मैं हल भी करूंगा, ठीक है ना, आप घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रश्न में दिया है ए बटा बी बराबर 2:3, ठीक है, उसके बाद दिया है बी बटा सी बराबर 4:5, ठीक है, आगे इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमें ए अनुपात सी निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात सी बराबर ए बटा बी गुने बी बटा सी, ठीक है, इस पर बैठाएंगे हम 2 ए बटा सी का मान है, ठीक है, ए बटा हम सी निकाल रहे हैं, 2:3 गुने 4:5, अब इसे काटोगे तो 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15, 8/15 आ गया, तो हमारा सी अनुपात का जो मान आ जाएगा, सी अनुपात क्या पूछ रहा है इसमें, सी अनुपात पलट देंगे हम, ठीक है, 15:8 आ गया आंसर, ठीक है, राइट आंसर 15:D सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, √8 + √18 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, देखिए तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, हम तोड़ेंगे इसे, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा हमारा √8 दिया है, ठीक है, प्लस √18 दिया है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक, प्लस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 को 3 × 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, हैं, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा 2 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, उसके बाद प्लस मैंने जो √3 × 3 × 2 है उसका मान हम इतना लिख सकते हैं, अब हो गया ना, अब इसको ऐड कर देंगे 5, √2 हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी, तो ये बहुत ही ट्रिकली है, ठीक है, घबराना नहीं है, बताते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कमी पूछ रहा है, ठीक है, तो हम कमी परसेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कमी परसेंट हमारा हो जाएगा कितना, 5 − 5%, ठीक है, फिर वृद्धि की जा रही है, बोल रहा है वृद्धि भी, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, −5 × 5/100, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका आएगा −2.5। देखिए मैथ है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा लगे बस आंसर आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस आपको जैसे हो जाए वैसे करना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे हो, किसी भी तरह मैथ को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 0.25, ठीक है, −0.25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, हम एक ही बार निकाल लेते हैं, 10 कमीज का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर कितना दे दिया, 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, CP/SP बराबर 8/5 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे उस पर, ठीक है, 8/10 है ना, तो इस पर साफ देखने से पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, ऊपर वाले को हम क्रयमूल बोलते हैं, नीचे वाले को बट्टा में जो ये 8/10 है ना, ऊपर वाले को क्रयमूल, नीचे वाले को विक्रयमूल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये
हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 - 8/8 गुने 100। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 25% लाभ होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2% का ब्याज 50 रुपया है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो किसी धनराशि का तो हम मूलधन मान लेंगे, ठीक है। अब मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है कि ब्याज गुने 100 / समय गुने दर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बैठाइए इस पर। ब्याज कितना दिया है 50, 100 का 100 हो जाएगा, समय कितना दिया है 5 और दर कितना दिया है 2, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा मूलधन, ठीक है। काटिए इसको, काटेंगे तो 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। आपका मूलधन कितना आ गया 500 रुपया, ठीक है। कितना आ गया 500 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर बैठा दीजिए 500 गुने, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 100 + 5/100 स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इधर बगल में, ठीक है, -1, ठीक है, ये हो गया। अब नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, 500 हम काटेंगे तो गुने 441/400 -1 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका काट कुट कर आएगा 51.25, ठीक है, 51.25। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9, 11:12 में है तो सबसे 12 कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे 12 कोण का मान ज्ञात कर, समानांतर सीढ़ी वाला इजी है, बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें करना नहीं है तो फॉर्मूला हम बता देते हैं इस पर, a+n - 1 × d, इस पर बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। ये टॉफ है, हम 72 नंबर बता देते हैं। इसमें 4 अनुपात दे दिए, ठीक है। मानेंगे हम, जब अनुपात में कोई भी चीज़ दिया रहता है तो उसे हम x लगाकर मानते हैं, ठीक है। 4x, 9x, 11x और 12x, ठीक है, ये हो गया, मान लिया, ठीक है। मान लिया चतुर्भुज का ये कोण हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो 4x + 9x + 11x + 12x = 360, ठीक है, 360 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 36x = इतना आएगा, ठीक है। तो x का मान आपका आ जाएगा कितना, 10, ठीक है। अब x का बारी बारी सामान निकाल लीजिएगा, सिंपल है, निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना कीजिएगा उतना ठीक रहेगा, ठीक है। यदि a + b + c = 10 और ab + bc + c = 31, तो a² + b² + c का मान ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है, ठीक है। आपको मान दे दिया a + b + c का मान 10, ठीक है। तो हम a + b को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a + b + c ऐसे लिख सकते हैं क्या, हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको फार्मूला पर बैठा देंगे, क्योंकि वहाँ पर a b c दिया है, तो फार्मूला पर बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc। इसका मान कितना दिया है, इसका मान आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बैठाइएगा तो इन सब के बराबर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मैंने इसे माना है तो 100 आ जाएगा, ठीक है। सबके स्क्वायर किया है मैंने, सब पर स्क्वायर लगाया है, इधर भी उधर भी, तो 100 हो गया, ठीक है। अब सिंपल है, इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा a² + b² + c² - 100 - 62, ठीक है। अब घटाइएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा, 38। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए हम बता देते हैं इसको, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए, गाड़ी की चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 80
गुने 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसे काटिए, आप काटिएगा तो आपका इतना आएगा 200/9, ये मीटर पर सेकंड में आ गया आपका, ठीक है। अब मान निकालिए अब आसानी से, ठीक है, समय हमें निकालना है इसमें, तो समय बराबर हो जाएगा, ऑप्शन में 450 मीटर दिया है ना दूरी, ठीक है, लंबी है रेलगाड़ी, तो 450 प्लस 150 बाटा में आपका तीन चाल है ही, ठीक है, तो 200/9। अब इसे तीसरा तिरछी कर दिए, गुना में कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, काटिएगा जोड़िएगा तो 450 150 कितना हो जाएगा आपका 600, आइए बाटा में 20/9 था तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, अब नीचे 200 रह जाएगा, तो 200 2 0 से 2 0 और 2 3 6 यानी 9 3 27 कितना आ गया 27, राइट आंसर ऑप्शन में 27 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो देखिए इसको भी बता देते हैं, 91 × 92 × --, उसके बाद 94 × 95, ठीक है, −99 दिया है, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ भरना है। तो देखिए इससे साफ मतलब बताए कि इसके इकाई का अंक जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि सम संख्या गुने 5 अगर देखें तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या 5 से गुने कीजिए ना, जाहिर सी बात है 0 होगा। तो राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 रखिएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब रीजनिंग का सवाल आ गया, ठीक, रीजनिंग तो पहले बता दिया था, उसका एक क्वेश्चन इस पर था, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा बिहार सिविल कोर्ट का 8वां प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के जितने भी सेट होंगे सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम, अभी बिहार पुलिस और दरोगा का नोटिफिकेशन भी निकला है, उसको भी मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है, आने दीजिए। और 6वीं का नोटिफिकेशन हमको लग रहा है कि 15 दिन के अंदर निकल जाएगा BPSC का, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, दिल की बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख डालिए, हम जरूर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। मैथ है, ठीक है, तो मैथ में देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मौसम 6 है और उनका लौसम 84 है, यदि दोनों संख्याओं में से 42 है तो दूसरी संख्या डैश होगी। देखिए हम फॉर्मूला बता देते हैं इसकी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने मौसम, ठीक है, मौतम समापवर्तक, ये होता है फॉर्मूला। इसमें से कौन सा पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो आप डी निकालिए, डी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा LCM गुने MCM बटा पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या पुट कर दीजिए वैल्यू, कुछ नहीं करना है, ठीक है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, पहली दिया है सबका मालूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, मौसम कितना दिया है 6, LCM कितना दिया है 84, और आपका पहली संख्या अभी कितना दिया है 42, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, 7 × 7 = 7 × 14, ठीक है, 42 आ गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, समझ गए क्यों आया। एक खंभे के शीर्ष पर उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनियन कोण 45 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं फिगर, ठीक है, ए हो गया, ठीक है, ये बी हो जाएगा और आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उनियन कोण कितना दिया है 45, तो ये हो जाएगा आपका 45, 9th class का सवाल है, ठीक है, ये एच हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हो गया, तो ऊंचाई में हम टैन लेकर चलते हैं, टैन थीटा आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है, तो हम टैन थीटा लेकर चलेंगे, टैन उनियन कोण थीटा का मान 45 मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, टैन थीटा होता है पी बाई बी, एच बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, तो ये हो गया एच आपका और ये हो गया बी सी आधार, अब मान लीजिएगा वहाँ आधार पर कुछ भी, ठीक है, तो एच है आपका दिया है जो नीचे का था, दूरी कितना था 20 मीटर है, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, अब इसको टैन 45 का मान आपको पता है, एक होता है एच 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एच का मान 20 आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 20 मीटर। दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज PQR
और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिणाम क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। इसमें आप क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। हम हिंट देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ, मैं हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बता दूंगा तो फिर लेथर्जी आ जाता है इंसान में, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से देखिए, दो त्रिभुज आप बनाएंगे, एक मान लीजिए पहला त्रिभुज पी क्यू आर, और एक त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। एक का एक्स वाई दिया है, एक्स वाई यानी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एक का दिया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, आप देख लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं दोनों का परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बटा त्रिभुज एक्स वाई जेड, दो त्रिभुज है, परिमाप दोनों का निकालेंगे। तो दोनों का परिमाप निकालिएगा तो फिगर देख लीजिएगा, पी क्यू बटा एक्स वाई, ठीक है। आपको पता है पी क्यू का मान दिया है 48 और एक्स वाई का 24 दिया है, वैल्यू पुट कीजिए पी क्यू की जगह 48 और 24, ये त्रिभुज ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, और ये त्रिभुज किसका मान है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब पी क्यू आपको निकालना है, ठीक है, पी क्यू निकालना है, और एक्स वाई का मान दिया है 12, ठीक है। अब पी क्यू को निकालिए, पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इसे 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टुकड़ों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, टुकड़ों की संख्या, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें पूछ रहे टुकड़े बनाए जा सकते हैं, यानी टुकड़ों की संख्या निकालना है, ठीक है। कितना दिया है, 20.5/2 दिया है, ठीक है। उसके बाद कितना एक और दिया है, 4.1/2, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 45/2, इसको करेंगे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/2, ठीक है। इसको आप पलट देंगे आप तो 45/2 × 2/9, 9×5=45, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 आएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया हो जाता है, और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर इसमें पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए प्रश्न को देखिए और अच्छा से पढ़िए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वर्षों के बाद निषेधन कितना हो रहा है आपका, 9,680 रुपया हो रहा है, और 3 वर्षों के बाद कितना हो रहा है, 10,648, ठीक है। तो दर परसेंट आपको निकालेंगे इसमें, ठीक है, दर कितना वही पूछ रहा है ना, तो आप दर परसेंट निकालेंगे तो 96 इतना हो जाएगा, ठीक है, 968/ आपका हो जाएगा, पहले इसको शॉर्ट डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टोटल कितना दिया है, 10,648, इसमें से घटा लीजिए 9,680 को, ठीक है, घटाइए, घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 968 आएगा, ठीक है, 968। अब 968/ हमारा कितना दिया है, 2 वर्षों के बाद मिश्रधन, तो ये 9,680 आ रहा है, ठीक है, गुना में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट गया, यानी कितना आ रहा है, 10%, ठीक है, कितना आया, 10%, ठीक है। तो देखिए 10% दिया है ऑप्शन में, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे आप, एक तरफ बॉय बनाइए और एक तरफ गर्ल बनाइए, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है, 500, गर्ल की संख्या कितनी है, 600, ठीक है। लड़कों का कितना परसेंट है छात्रवृत्ति जो पाते हैं, 20%, ठीक है, और गर्ल कितनी पाती है, 25%, ठीक है, इसे हम रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और इसमें अभी एक और इसमें लिख लीजिए, ठीक है, बिना छात्रवृत्ति वाले कितने हो जाएंगे, इस 20 में से घटा लीजिए, 80% बचेंगे, कितना 80%, इसमें कितना बचेंगे, 75%, ठीक है, इतना हो गया। अब हम कुल संख्या निकालते हैं, ठीक है, देखिए कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 × 80% होगा, ठीक है, प्लस 600 × 75,
75%, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करेंगे आपका तो कितना आएगा 850, ठीक है, टोटल आ गया ये, ठीक है, कुल संख्या 850 और परसेंट निकालिए आप 850, ठीक है, 850 आया है, ठीक है। और पहले से कितना था आपका, तो पहले से टोटल संख्या इसमें नहीं दिया है, ठीक है, टोटल हम निकाले हैं 850 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, हम अब निकालेंगे इसमें क्या पूछ रहे, छात्रवृत्ति नहीं मिली कितने छात्रों को, ठीक है। तो अब क्या कीजिए 850 बटा टोटल संख्या आप क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल का जोड़ लीजिए, ठीक है, बॉयज और गर्ल का जोड़ लेंगे, ठीक है, बॉयज और गर्ल का आप जोड़ेंगे तो 6511100 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 100। अब इसको काटिए, काटेंगे आप तो आपका आएगा राइट आंसर 850 बटा 11%, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 1360 रुपये मूल पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल पर बेचनी चाहिए। देखिए इसमें डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य जानते हैं निकालने का ट्रिक क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि। आप अपने नोटबुक पर इसे सॉल्व करेंगे और नोट्स बनाएंगे जो इतना प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर पुट कर देंगे आप वैल्यू, ठीक है, विक्रय मूल्य आप पुट कर दीजिएगा 1360 है, ठीक है, हानि 100 में से घटाइएगा हानि तो 85% बचेगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा 1600, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का मात्र 14 वर्ष है, उसके दादा और दादी का आयु क्रम से 71 वर्ष और 67 वर्ष है, बच्चों और दादा दादी की आयु का मात्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इसका ऊपर वाला जो राइट आंसर होगा, एक बार उसमें मैंने सिर्फ क्या निकाला था, वो क्रय मूल्य निकाला था, उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मैंने छोड़ दिया, आप एक बार देख लीजिए, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। उसमें किस बेचनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपका ये सिर्फ क्रय मूल्य आया 1600, तो क्रय मूल्य आया तो राइट आंसर सी नहीं होगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको कितने परसेंट, 10% लाभ पर, ठीक है, तो 1600 का 110, ठीक है, 110 अब बटा 100 पर निकालिए। अब इसको निकालेंगे आप, गुना कीजिए तो 1760 आंसर आएगा, ठीक है, 1760, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, देखिए 68 नंबर में इसे क्या करेंगे, 9 बच्चों की कुल आयु हम देख लेंगे, माध्य पूछ रहा है तो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 9 बच्चों की कुल आयु, ठीक है, तो 9 × 14 गुना कीजिए 126 वर्ष हो गया, ठीक है। दादा दादी सहित परिवार का कुल माध्य निकालिए, तो देखिए हमारा कुल तो आ गया 126, ठीक है, और उसमें दादा दादी का कितना दिया है, 71 और 67 दिया है, ऐसे, और यहाँ पर पूछ रहे हैं 9 बच्चों की आयु, दादा दादी, ठीक है, तो 9 बच्चे हैं प्लस दादा दादी को मिलाकर 2 हुआ, यानी 9 + 2, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 24 वर्ष, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर 1074 आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये देखिए 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया, पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े, दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतर जाते हैं और 19 यात्री फिर नए चढ़ते हैं, तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची, ठीक है। देखिए कुल रेल यात्री कितना है इसमें 450, ठीक है, कितना है आपका कुल रेल यात्री 450, ठीक है। तो पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या, इसे सॉल्व करेंगे कैसे, हिंट दे देते हैं, 450 माइनस 450, ठीक है, गुने 1/9 + 20, ठीक है, इसे सरलीकरण में मैंने सेट कर दिया, बराबर किसके हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 420, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दूसरे ये पहले स्टॉप का निकाला मैंने 420 किसका है, पहले स्टॉप का, अब दूसरे स्टॉप की यात्रियों की संख्या निकालिए, 420 माइनस 420 गुने
एक बटा छः प्लस 19, ठीक है। अभी से आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 369, ठीक है। राइट आंसर 369 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। देखें इसमें क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले जो अनुपात में कोई भी चीज़ दिया रहता है उसे हम x लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो आप पहली संख्या 3x मान लीजिए और दूसरी संख्या 2x मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे तो 3x माइनस 8 बटा 2x माइनस 6, क्योंकि देखिए मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि पूछ रहा है पहली संख्या में 8 घटाना है, तो पहली संख्या 3x मैंने लिखा, इसमें से 8 घटा लिया, दूसरी संख्या में 6, दूसरी संख्या कितनी है 2x है, उसमें से कितना घटाना है 6, हो गया सिंपल एज इट इज। कितना अनुपात प्राप्त होता है 5:4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3:2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा किया गया समय ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बस की चाल आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। इस पर पुट कीजिए आप, चाल कितना है 5:20 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 5:20 यानी 60, एक किलोमीटर घंटा में है तो मैंने इसे क्या कर दिया, मिनट में है तो घंटा में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे प्लॉट दीजिए, काम कीजिए, 5 × 60/20 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 20 = 4, आई हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 5 = 15 × 60, ठीक है। 15 आया, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल निकालेंगे आप तो 15 में से 3 घटा लीजिए तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, ये नई चाल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, समय, ठीक है, समय निकालिए। समय हो जाएगा आपको 5/12 × 60, ठीक है, मिनट में मैंने चेंज कर लिया इसे तो 12 × 5 = 60, 25, कितना आ गया 25 मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर 25 दिया है क्या, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है, वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आर्यन और विपिन को तुलना करना है, ये हो गया आर्यन और ये विपिन हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच देखिए समय का कितना डिफरेंस है, एगो का 2 है और एगो का 1 है, ठीक है। कार्य क्षमता 1:2, ठीक है, कार्य क्षमता कितना हो रहा है, 1:2 यानी 3 का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 3 इकाई इसमें क्या करें, 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 दिन का कार्य लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 दोगुना करता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया 3, ठीक है, ये हो गया हिंट। अब ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस आंसर ही बता देते हैं, अब इतना हो गया तो ठीक है, राइट आंसर इसका आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर 1 घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, इसमें दिया है घनाभ का लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 घन है तो जाहिर सी बात है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे, दोनों घनों की लंबाई, घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + LH + BH, ठीक है, BH होता है, ठीक है। अब इसे पुट कर दीजिए वैल्यू, इस पर वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक है, चलिए वो भी हम पुट कर देते हैं। देखिए 2 20 × 10
ठीक है, बैठा तो दिया आपको, सिर्फ पुट करना, आंसर बता देते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर √5 + 1/√5 - 1 और y बराबर रूट इतना दिया है, तो x² + y² - 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का मान लेकर चलेंगे, ठीक है, x का मान निकालिए आप, रूट जितना दिया है उतना उससे गुना करते हैं, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है, आप 9th में पढ़े होंगे तब आपको याद होगा, रूट इतना दिया है प्रश्न से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे माइनस में दिया है तो मैं प्लस लेकर चलूँगा, ठीक है, √5 + 1 ठीक है, ये इतना हम ये मैंने लिया, ठीक है, निगेटिव में दिया है पॉजिटिव लेकर चलते हैं, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6 √2 5/4 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो आप इसको हम और आसान तरीके में लिख सकते हैं, 3 √5/2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान आया है, ठीक है, किसका, x का मान। अब y का मान निकालना है, ठीक है, आप y का मान निकालेंगे तो देखिए नीचे प्लस में है तो ठीक उसी तरह माइनस में लेकर चलेंगे, तो आपका 3 √5/2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये y का मान आ गया, अब x² + y² - 4, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें जो अभी निकला है, आपका आंसर आएगा 3, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा 30, ठीक है। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैथ देखिए, दिया है यदि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, यदि tan A √3 है तो sin A cos C और cos A sin C का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि sin A plus C, आपने पढ़ा होगा sin A plus B, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं sin A into cos C, यहाँ पर C है इसलिए मैंने C लिखा, उसके बाद प्लस देंगे, फिर उसके बाद सेम cos A into sin C, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC में B जो है वो समकोण है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए sin लिखेंगे इतना, A plus C का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया है, एक समकोण है, ठीक है, और tan A का मान √3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, अगर आपको B निकालना है तभी 19 हम घटा देंगे तभी ना समकोण होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, sin 180 में से 90 आप घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, sin 90, ठीक है, और आपको पता है sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इस तरह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग इकाई है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, आपको पता है वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे पहले वृत्ताकार पथ बनाइए, ये ठीक है बन गया आपका, ये आपका पथ हो गया, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पाई लेंगे, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक 2a है एक b है, ठीक है, तो हम 2 लेंगे, हमारा त्रिज्या 2 हो जाएगा यानी पाई हो जाएगा, ये को हम आर स्क्वायर कैपिटल ले लेंगे और ए को स्मॉल, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पाई बड़े आर स्क्वायर का मान कितना, 2a मान लीजिए दिया है, ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल का कितना दिया है, b, ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार मैंने सेट कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे आप तो पाई इंटू 4a² - b², ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन कमले से दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं, मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मोहन इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सबसे पहले मैंने जो 7th का जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने क्या किया, कल करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, अगर देगा तो सबसे पहले एक मोहन इधर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद एक कमलेश, ठीक है, मोहन की क्षमता कार्य करने की 2 है और कमलेश का 1 है, ठीक है, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट कार्य
कार्य कितना हो जाएगा, उसका क्षमता, ठीक है, उसका क्षमता और कमलेश का समय, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुल कर, ठीक है। देखिए मोहन का कितना है 2 और कमलेश का, तो दोनों का कुल कर कितना हो जाएगा, कुल कर 3 हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं कार्य निकालने के लिए मैंने क्षमता में समय से गुना किया था, ठीक है। ऑप्शन में कितना दिया है, कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 22, तो 3 में 22 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 में जो 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 66, ये कुल कार्य 66 हो गया, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, मोहन द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो मोहन कितने दिन में करेगा, तो देखिए मोहन का कितना दिया है 2 दिन, ठीक है, दोगुना करता है, ठीक है। तो 66/2 हो जाएगा, काटिए 33 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ जिसे बोला जाता है और लघुतम समापवर्त जिसे एलसीएम बोला जाता है क्रमशः 6 और 36 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी संख्या बोल रहा है, तो मैंने पहले इसका फॉर्मूला बताया था दूसरी संख्या निकालने का कि HCF गुने MCF, ठीक है, बटा पहली संख्या, ठीक है, बटा पहली संख्या फॉर्मूले पर पुट कर देना है। HCF दिया है आपका कितना 6, MCM कितना दिया है 36, और पहली संख्या आपको पता है दिया है 12, ठीक है। 6 × 12 और 2 से काटिएगा 2 × 2 और 2 × 8 = 16, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, इसके लिए तो आपको फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे, माध्य मैंने बताया है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या बटा माध्य निकालने के लिए कितनी संख्या 2, तो हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट करना है वैल्यू, पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं को, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो क्या 2 से विभाज ना हो, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया, ठीक है। तो प्रथम संख्या कितना है 1 है, अंतिम संख्या कितना है 19 है, बटा में कितना था 2 है, ठीक है, काटेंगे 20/2 आएगा, यानी आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो गया, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ। उसके बाद देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो सी अनुपात ए कितना होगा। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो रेशियो में दिया है उसे हमें रेशियो में लिख लेना है, ठीक है, फिर उसको जैसे रेशियो में है तो बटा में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए बटा सॉरी ए अनुपात बी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बटा बी लिखेंगे, इसका मान कितना है 2:3, ठीक है, 2:3, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है बी अनुपात सी, ठीक है, इसका मान कितना है 4:5, तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालिए, ए बटा सी कैसे हुआ अभी आपको बता दिया मैंने, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बटा बी गुने बी बटा सी, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए केवल, ठीक है, आपको ए अनुपात सी निकालना था, ठीक है ना, वैल्यू पुट कीजिए, ए बटा बी का मान है 2/3, बी बटा सी का मान है 4/5, आप इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15, ठीक है, 8/15, ठीक है, यानी हम सी अनुपात ए को कैसे लिखेंगे 15:8, ठीक है, इस तरह राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका हम आंसर बता देते हैं सी होगा, ठीक है, इसमें जान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए इसमें पूछ रहा है कमी, ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि एक संख्या में पहले ही 5% की कमी कर दी गई है, तो आपको पता है, और एक में 5% की वृद्धि, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5% कमी हो रहा है, लिख दिए, कमी का मतलब माइनस, ठीक है, और एक में कितना हो रहा है 5% यानी प्लस वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, परसेंटेज में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज होगा, ठीक है, इसको जब आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो -5 × 5 /
100। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -25 यानी 100% काटिएगा तो आपका मान आएगा 0.25%। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो ये कितना कमी होगा, 0.25। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सिंपल है, इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, वेरी सिंपल, 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी, सीपी का 8 दिया है और एसपी का 10। ठीक है, डायरेक्ट इस पर क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हम कोई भी चीज किस पर लेते हैं, हम लेते हैं यानी क्रय मूल्य पर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी आपका आपका सेलिंग प्राइस 10 है, हानि क्रय मूल्य कितना है 8, ऊपर वाले को क्रय मूल्य लेकर चलते हैं। ठीक है, ये 8/10 है। ठीक है, तो इसमें आपको जाहिर सी बात है, देखने से जो विक्रय मूल्य है ज़्यादा है यानी लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यानी लाभ प्रतिशत बराबर 10 - 8 घटाएंगे, डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया, गुने 100, आप दो भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो काटेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, घटाने के बाद 4 हो जाएगा और ये 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी, 25% का लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2% का ब्याज 50 रुपया है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप देख लीजिए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है। देखिए आप प्रश्न पढ़ेंगे अच्छा से तो इसमें आपको मूलधन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आप मूलधन का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, आपको पता है मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 / समय गुने दर। मैं लिख देता हूं, ब्याज गुने 100 / समय गुने दर। ठीक है, अब इस पर आपको पुट करना है। ठीक है, ब्याज कितना दिया है 50, 100 फॉर्मूला होता है। ठीक है, समय कितना दिया है 5 और दर कितना 2%। ठीक है, काटिए ना, काटिए इसे आप, 5 × 2 = 10। ठीक है, इसे काटेंगे तो 10 यानी 500 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 500, मूलधन कितना आ गया 500, 500 मूलधन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालने के लिए यानी CI जिसे बोला जाता है क्या होता है, CI बराबर P × 100 + समय। ठीक है, समय बटा 100 उसके बाद स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस पर पुट कर दीजिए आप, पी का मान 500 अभी आपने निकाला। ठीक है, 100 फॉर्मूले में है, समय कितना दिया है 5, फिर फॉर्मूले में 100 है, यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस में 1 है, सॉल्व कीजिए इसे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 51.25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समानांतर श्रेणी का सवाल है, दसवां का देखिए मैथ का जो लेवल रहेगा 9th और 10th का ही रहेगा। ठीक है, 11th 12th आपको नहीं पढ़ना है, 8th 9th 10th आप मैथ पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसमें दिया है समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, तो दसवां पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए टर्म जो दिया है सीरीज आपका 2, 7, 12, अंतिम पद 10। ठीक है, दसवां पद कितना दिया है, दसवां पद ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, दसवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया है आप क्या करेंगे, जो पहले स्टार्टिंग से जो होता है उसी को हम पहला टर्म मान लेते हैं, पहला पद ए बराबर यानी पद, पहला पद को हम ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, डी निकालने के लिए सर्वांतर जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसको दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। ठीक है, दूसरा पहला पद आपका 2 हो गया, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले को घटाइए, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 यानी डी का मान कितना आ गया 5, ए का मान पहला टर्म कितना है 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। हमें दसवां पद निकालना है यानी n निकालना है। ठीक है, a का मान दिया है 2, ठीक है, प्लस n हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
दसवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो दसवा पद एन दस दिया है, ठीक है। फॉर्मूले में वन था, वन लिख दिया, डी का मान कितना है पाँच, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए दो प्लस दस माइनस वन इंटू डी का मान, डी तो निकाला था मैंने, तो यहाँ पर डी के जगह पाँच आएगा, सर्वांतर डी, ठीक है, अंतर निकाला था जो। अब इसको सॉल्व कीजिए, दो प्लस नाइन गुने पाँच, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 47 आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देख नेक्स्ट देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। क्या करना है, सबसे बड़े पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया है कि देखिए कोई भी चीज अनुपात में रहेगा तो उसे आसान बनाने के लिए आप उसे x में मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x में, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि चतुर्भुज का जो कोण है वो 4x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 11x हो जाएगा और 12x हो जाएगा, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360, कितना होता है 360, तो 4x प्लस 9x प्लस 11x प्लस 12x, ठीक है, बराबर 360। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 31, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, ये भी आपका 9th क्लास का सवाल है, ठीक है, 9th में ये पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका दिया है प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान 10 दे दिया है, ठीक है। देखिए और क्या पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी इतना दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दीजिए मान, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, तो मैंने उसके बदले a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, और इसको मैंने ऐसे लिखा a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले पर बैठाने के लिए ऐसे, तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पुट कर देना है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 38 आ जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको समझना है, अच्छा से ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, गाड़ी की चाल, ठीक है। देखिए गाड़ी की चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसे आप क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 80/5/18, यही अगर मीटर पर सेकंड में रहता, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता तो 18/5 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है इसलिए 5/18 होगा, ठीक है। जब इसे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 9 और ये हो जाएगा 40, यानी 4×5=20, 200/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसमें हमें समय निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो समय आपको पता है कि दूरी बटा क्या होता है चाल, ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ है 450, ठीक है, 450, और रेलगाड़ी की लंबाई भी, तो उसमें इसको ऐसे इसको भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है, 150। अभी मैंने क्या निकाला था, चाल निकाला, यानी 200/9 निकाला था, इसको अब क्या कीजिए पलट दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600×9/200। जब इसे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 6, यानी 9 3 27, ठीक है, तो राइट आंसर 27।